हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो बनारस ट्रिप के ऊपर है कि आपका कितना खर्चा आएगा बनारस घूमने में। सो जैसा कि मैं आपसे हर एक वीडियो में कहता हूँ, ट्रैवलिंग में तीन मेजर खर्चे होते हैं, रहना, खाना और घूमना। वही चीज़ मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। सो पहले बात कर लेते हैं रहने की। सो अगर आप सोलो हो मेरी तरह तो आप हॉस्टल में रुक सकते हो, अगर आप दो लोग हो तो आप होटल में रुक सकते हो। अगर मैं हॉस्टल के प्राइस की बात करूं बनारस में तो आपको 250 से 400 की रेंज में बनारस में हॉस्टल मिल जाएंगे ईजिली। अगर मैं होटल की बात करूं तो 1000 से 1500 की रेंज में आपको होटल भी मिल जाएंगे। अब दूसरे खर्चे की बात कर लेते हैं जो है खाना। सो खाने में आपका 500 रुपीज़ पर पर्सन पर डे के हिसाब से खर्चा आ सकता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे खर्चे के बारे में जो है घूमना। तो घूमने में आपका 300 रुपीज़ पर पर्सन पर डे के हिसाब से खर्चा आ सकता है। अगर मैं टोटल खर्चे की बात करूं तो आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। सो आप 2100 और 2600 की रेंज में बनारस घूम सकते हो ईजिली। अब बात कर लेते हैं बोनस टिप की। फर्स्ट बोनस टिप, बनारस घूमने का सबसे अच्छा टाइम है अक्टूबर टू मार्च। मैं आपको गर्मियों में रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज टेम्परेचर 40-45 डिग्री तक चला जाता है गर्मियों में। सो आपको गर्मियों में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना सर्दियों में आएगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सर्दियों में बनारस घूमें। सेकेंड बोनस टिप, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप गंगा आरती ज़रूर देखें दशाश्वमेध घाट पे। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी शांति महसूस होगी और आपको काफ़ी अच्छी वाइब्स भी आएंगी वहाँ पे। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती ज़रूर देखें। थर्ड बोनस टिप, दशाश्वमेध घाट से अस्सी घाट तक के लिए बोट राइड ज़रूर लें। आपको काफ़ी अच्छा और यूनिक व्यू मिलेगा और शाम के टाइम लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो आई होप आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया हो। सो, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।